डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे पेपर पे क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे फाइंड। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी होगा उसको करके इसका आंसर निकालना है। तो ए नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 35 माइनस 20 ये है, तो ये प्लस में ही है, अंदर में जिसमें कोई साइन नहीं रहता है वो प्लस में रहता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 35 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिए 20, तो 35 में 20 माइनस हो गया तो कितना बच गया 5 और यहाँ पे 1 15 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 72 माइनस 90 ये है, तो सेम कंडीशन वही है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 72 माइनस 90। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 90 जो है माइनस में है और जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन लगता है। तो सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8 हो गया, 10 में से 2 8 और यहाँ पे 8 में से 7 तो 1 18 हो गया। माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 90 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, ये 18 माइनस 18 इसका आंसर हो गया। सी नंबर क्या है, इसमें सी नंबर में माइनस 15 माइनस 15 ये सी नंबर का क्वेश्चन, माइनस 15 माइनस माइनस 18, तो माइनस 15 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये माइनस 15 रहेगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो 18 यहाँ पे लिख रहे थे प्लस 18, माइनस प्लस माइनस होगा, सबसे पहले नंबर माइनस हो जाएंगे और साइन क्या रहेगा, जो नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है तो 18 में से 15 चला गया तो 3 हो गया, तो इसमें प्लस 3 आएगा, तो 3 लिखने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। सी डी नंबर लेते हैं, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, माइनस 20 और माइनस 13, तो ये माइनस ही बनेगा, इस तरह से लिखते हैं माइनस 20 और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन जो है माइनस ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 20 और 13 30 और 3 33 हो गया, तो माइनस 33 होगा, माइनस 33 ये इसका आंसर हो जाएगा। डी ई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ई नंबर में क्या है, 23 माइनस माइनस 12 ये हो गया, तो यहाँ पे 23 प्लस में है तो वही रहेगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट हटेगा तो ये 12, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको 2 दे देते हैं तो ये 25 हो गया और 10 25 और 10 35 हो गया, तो प्लस में ही रहेगा 35। उसके बाद यहाँ पे एफ नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है माइनस 32 माइनस माइनस 40 ये, तो माइनस 32 ये भी रहेगा क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे होगा 40, प्लस 40 हो गया तो 40 में से 32 माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 8, तो उसका साइन क्या होगा, साइन होगा प्लस का क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो प्लस हमको लिखना नहीं है, सिर्फ 8 लिखेंगे और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ बड़ा छोटा और बराबर इक्वल साइन यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ये सब साइन लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो कैसे पता चलेगा, ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस 3 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना हो गया, इसमें माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा और 9 हो गया, माइनस 9 हो गया और इधर सॉल्व करते हैं, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 6 हो गया, तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में माइनस 3 तो 3 बचेगा इक्वल टू 3 प्लस में क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ, माइनस मतलब 3 माइनस 9 जो है छोटा हो जाएगा, तो प्लस 3 जो है बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो बड़ा जिधर रहता है उधर मुँह खुला रहता है, ऐसे आप ऐसे कीजिए बस, आपको विशेष बड़ा छोटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जिधर बड़ा उधर मुँह खुला, बस ये हो गया। बी नंबर लेते हैं, बी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस 21 11 ये हो गया, इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 तो रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 10, तो यहाँ पे 21 में से 10 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो 11 बच गया, साइन रहेगा माइनस का, माइनस 11 ये नंबर बड़ा है। अब इधर 31 प्लस माइनस माइनस हो गया 11, 31
और 11, तो 41, 42 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं हो रहा है, तो इक्वल टू -42। तो फिर बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ, माइनस में जो छोटा रहता है वही बड़ा रहता है, बड़ा ये हुआ, तो इसको इधर आप लगा दीजिए, इधर ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं इसको मिटा के, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर में दिया हुआ है 45 माइनस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो प्लस हो गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 45 में से 10 ऐड कर देते हैं, 55 हो गया और 156 हो गया, इक्वल टू 56। फिर यहाँ पे 57 दिया हुआ है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 57 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 7 में से 4 गया 3, मतलब 53, इक्वल टू 53। तो इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब साइन ऐसे लगेगा, हो गया। डी नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -25। ये डी नंबर का क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 25 माइनस 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे 42 में से 25 माइनस कर देते हैं, साइन प्लस का ही रहेगा, ये नंबर बड़ा है, तो 12 में से 5 7 हो गया, और यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 तो 1, प्लस ही रहेगा, यही हो जाएगा 17, और इसका क्या है, माइनस 42 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस 25 तो प्लस माइनस माइनस होगा 42 में से 25, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे सेम कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जो है 25 प्लस में है और 42 यहाँ पे प्लस में था, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद तो उतना ही आएगा लेकिन यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, माइनस 17 हो गया। तो फिर ये बड़ा कौन सा हुआ, तो बड़ा हुआ ये, बड़ा हुआ प्लस वाला नंबर, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2।